तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं बताता हूँ आपको कॉर्न सोल्डन पेपर कैसे बनाते हैं। तो इसमें मैंने ये पहले चॉप करके रख लिया है, छोटा सा वीडियो बनाएंगे, जल्दी से जल्दी बताएंगे कैसे बनेगा। तो इसमें ऑनियन है, ग्रीन चिल्ली है और जिंजर है, स्प्रिंग ऑनियन है, थोड़ा सा कोथमील है। अगर कोथमील आप नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। और एक सूप बॉल हमने कॉर्न लिया है, इसको मैंने धो के रख लिया है पहले से ही। आप बॉयल भी कर सकते हो और भी स्वीट हो जाएगा। और ये कॉर्न फ्लोर लिया है मैंने, कॉर्न फ्लावर ये भी लगेगा इसमें। तो दोस्तों इसको एक बड़े बर्तन में लेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा अजीनोमोटो, थोड़ा सा ब्लैक पेपर। अब गाइस इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर थोड़ा थोड़ा डालेंगे, साथ में थोड़ा सा पानी के छींटे लेंगे, सादा पानी है। फिर से थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालेंगे, थोड़ा सा पानी के छींटे। हल्के हाथ से करना है गाइस, थोड़ा सा पानी के छींटे। देखिए ये अपना कॉर्न रेडी हो गया है, अब इसको करेंगे फ्राई। गरम तेल में डालना है दोस्तों, ठंडे तेल में नहीं डालना है। इसको हिलाना भी है तो ये आपस में चिपक जाएगा। अभी से आपको आवाज़ कैसी आ रही है, देखिए कड़कपन की आवाज़ आ रही है पूरी। इसको थोड़ा ढकेंगे नहीं तो ये फटता है। तो हेलो दोस्तों, ये तैयार हो गया है बनके। दोस्तों ये फटता भी है और ये तैयार हो गया है। ये देखिए कड़कपन इसमें आ गया है। अब निकालेंगे इसको तेल से बाहर। कॉर्न की आवाज़ ऐसे आनी चाहिए और कड़क होना चाहिए, जब भी कॉर्न सोल्डर पेपर का खाने में मज़ा आएगा। तो दोस्तों इसमें ऑयल नहीं डालना है बिल्कुल ही। तो पहले डालेंगे अब ऑनियन, उसके बाद ग्रीन चिल्ली, उसके बाद जिंजर डालेंगे। ठीक है गाइस, इसको अच्छी तरह से सोते करना है। बगैर ऑयल के साथ दोस्तों इसको सोते करना है, बिल्कुल ऑयल बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि कॉर्न सोल्डन पेपर में ऑयल डलता है, इसमें बिल्कुल नो ऑयल नहीं डलेगा। दोस्तों ऐसे बना के आप खाओगे ना तो हमेशा ये ही आप रेस्टोरेंट में भी बनाओगे और ये भी आप खुद बना के खाओगे, इतना अच्छा फ्लेवर है इसका। देखिए दोस्तों हमारा प्याज सोते हो गया है बराबर। अब डालेंगे हम कॉर्न, तो दोस्तों डालेंगे अब इसमें कॉर्न डालेंगे। कॉर्न की आप आवाज़ सुन सकते हो।
अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा अजीनोमोटो और ब्लैक पेपर। अब दोस्तों इसमें थोड़ा सा मैंने डाला है धनिया, स्प्रिंग ऑनियन। दोस्तों डालेंगे इसमें चाट मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला डलता है इसमें, और थोड़ा डालेंगे नींबू आधा। तो दोस्तों अब करेंगे इसको सोते बराबर। दोस्तों ये बनके तैयार हो गया है, देखिए दोस्तों। ऐसे अगर आप इन्हें बना के मज़े आ जाएंगे आप, कुछ सबसे अच्छा टेस्ट इसी का लगेगा। ठीक है दोस्तों, मैं बॉल में डाल के दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों इसको बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 5 से 7 मिनट में ये तैयार हो जाती है। और ये स्प्रिंग ऑनियन। ठीक है दोस्तों, मैं जल्दी से जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। और अच्छा लगा हो, अगर आपने बना के खाया हो, आपको अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।